कैसे हो गेमिंग कीड़ो? तो आज हम खेलने वाले सीओसी एंड सीओसी में पता है क्या करने वाले हैं। आज है हमारा क्लैन वॉर। क्लैन वॉर से पहले हम इधर वर्सेस बैटल कर लेते हैं। मेरा फेवरेट ट्रूप कौन सा है? मैंने ये ट्रूप तो बहुत इजीली सिलेक्ट करता हूँ। तीन पहले भेज दो सब, उसके डिफेंस लॉक हो जाएंगे, उसके पैसे वॉल ब्रेकर, उसके बाद सारे ट्रूप भेज दो एंड उसके बाद देखो काम तमाम कैसे होगा। ये बेस का, ये बेस इतनी ईजी है कि क्या बोलो, बेस ईजी नहीं है। मेरी अटैक स्ट्रैटी इतनी बहुत भारी है क्या? थ्री स्टार तो आना मुश्किल लग रहा है लेकिन आ जाएगा सही सही टाइम पर। अपना वो क्या बोलते हैं, वार मशीन का एबिलिटी दबाना पड़ेगा एंड कुछ नहीं, सब तो थ्री स्टार हमारी हाथ में है। ओके टू स्टार तो लग रहा है, हाँ टू स्टार आ गया एंड शायद वन स्टार आ चुका है एंड टू स्टार भी इजीली आ जाएगा एंड थ्री स्टार में थोड़ी दिक्कत होगी एंड दिक्कत नहीं, थ्री स्टार आ ही नहीं सकता, ये तो गारंटी हो गया। थ्री स्टार में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है भाई। थ्री स्टार हो सकता है नहीं हो सकता ये तो पता ही नहीं चल रहा, सारे कोई उस पर लॉक है। ओके ठीक है, अरे अभी मत जा, अब गया ये, अब मर जाएगा ये, अब एक लास्ट एबिलिटी मारूंगा इसकी और मर जाएगा ये एंड ये जब मरेगा वो कैनन भी मर जाएगा। ओके 672% आया है, कोई ख़राब परसेंटेज नहीं है तो चलो करते हैं। एंड बैकग्राउंड नॉइज़ के थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि हमारे गांव में अभी पूजा हो रहा है एंड पूजा में ऐसी नॉइज आती रहती है। ओके सारे को ट्रूप्स दे देता हूँ क्योंकि ये लोग अब क्लैन वार खेलेंगे। क्लैन वार मतलब समझ रहे हो ना, कैसी क्लैन वार? हाँ अब होने वाला है असली क्लैन वार, मज़ा। तीन बंदे ऑनलाइन है, तीन जगह डायरेक्ट अटैक होगा जल्दी जल्दी में। ओके मैंने तो मुझे थोड़ा तो मेरी अटैक स्ट्रैटी थोड़ी मुश्किल लग रही है, मिलेगी कि या नहीं मिलेगी, लेकिन इनकी तो गारंटी है थ्री स्टार आएगी एंड देखते हैं बेस में कैसे जीतेंगे या फिर नहीं जीतेंगे, वो तो लक पे हमारा करता है डिपेंड, जीतेंगे कि या नहीं जीतेंगे। तो लेट्स बिगिन इन क्लैन वार। ओके दोनों बंदों ने अटैक कर दिए, तो मैं देखता हूँ पहले इसके अटैक स्ट्रैटेजी कैसा है। ओके इसने लिया है, इजी आ जाएंगे, इसका किंग है क्योंकि इससे लोअर लेवल का एंड किंग है तो इजीली थ्री स्टार तो बनता है इसमें एंड अभी तक अटैक क्यों नहीं कर रहा है ये समझ नहीं आ रहा है मुझे एंड ओ कर दिया एंड इधर निकल चुका है ट्रूप्स, अब क्या करेगा ये? ओ भाई इधर मतलब इधर बोला के ट्रूप्स को मारेगा, ये अच्छी प्लानिंग है एंड अब क्या करेगा बे? एक विजार्ड छोड़ा, विजार्ड 12 है, इजीली टेक डाउन कर सकते हैं ये साथ तीनों को, दोनों को इजीली एंड टेक डाउन हो गई। ओके टेक डाउन हो गया, अब डायरेक्ट इसका क्या रहेगा, अब इसका क्या हो रहा है अब समझ नहीं आ रहा क्या करेगा क्या नहीं। तो ओके ये क्या किया, अब कुछ तो नहीं कर रहा विजार्ड के भरोसे। ओके सीसी अपना ट्रूप्स छोड़ दिया इसने, सीसी में वल्करी जो मैंने दिया था एंड अपना सारे ट्रूप्स, वॉल ब्रेकर क्यों ने छोड़ा ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन वॉल टूट गई बिना वॉल ब्रेकर के एंड लो ये इजी थ्री स्टार। किंग कहाँ है? किंग भी आ गया, इजी थ्री स्टार हो चुकी है ये बेस में। अगले बेस में चलते हैं, अगले बेस में क्या है, 25% टारगेट डिस्ट्रक्शन हो चुकी है। ओ भाई इधर भी थ्री स्टार इजीली हो गई भाई, अब मेरा अटैक की बार चांस आता है, मैं कर पाऊंगा या नहीं ये तो मुझे पता नहीं। इसमें तो मैं इजीली कर लूँगा, जो फर्स्ट वाला बेस है उसमें हारूँगा। ये अटैक मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ क्योंकि तुम लोग भी कौन से देखने वाले हो। ओके तो डायरेक्ट मेरी अटैक में आ चुके हैं एंड मेरी अटैक में दो बंदे देख रहे हैं, उसके बाद प्रेशर तो कुछ ज़्यादा ही है मेरे पे एंड क्वीन वैक से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वीन छोड़ा, उसके पीछे चार हीलर, देखते हैं कितना क्वीन निकाल पाती है एंड क्वीन अच्छे से चल गई तो हमारा थ्री स्टार पक्का है, लेकिन गलती क्वीन में होगी अगर थ्री स्टार नहीं आएगा तो, मुझे गारंटी पता है एंड यहाँ तक भी सही है, यहाँ तक भी क्वीन अच्छे से क्लियर अप कर रही है लेकिन क्वीन को उधर जाना चाहिए एंड ओके ये टारगेट करके चल जा क्वीन, प्लीज़ चल जाए उधर एंड किंग अपने डायरेक्शन में चल गया, लेकिन इधर एक रेज करना पड़ा क्योंकि नहीं तो क्वीन का एबिलिटी चल जाता, एबिलिटी चली गया नहीं तो क्वीन मर जाता, ये बोलना चाहिए था मुझे।
एंड आखिरकार क्वीन, यहाँ तक तो डर लगा यार, क्वीन इधर तक अटैक पूरा ख़राब हो चुका है, मैंने आखिर में पूरे डाल दिया है एंड एक हील स्पेल भी डालना पड़ेगा मुझे जैसे लग रहा है। हाँ डालना ही पड़ेगा क्योंकि पूरी एबिलिटी ख़त्म हो रही थी, मेरा मतलब हेल्थ ख़त्म हो रहा था। एंड इधर क्वीन टेक डाउन कर रही है पूरी की पूरी, एंड उधर मिनियन भी टेक डाउन कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, 2 मिनट में क्या हमारे 3 स्टार हो पाएगा। एंड यहाँ देखते देखते क्लैन कैस्टल भी उसका निकल गया एंड ओके, यहाँ तक तो सही चल रहा है मिनियन का। एक हील स्पेल यहाँ डालना पड़ेगा नहीं तो मर जाएंगे ये लोग। ओके हील स्पेल इधर गया एंड इनकी हेल्थ रिकवरी हुई एंड क्वीन भी मर जाएगा 2-3 मिनट में। रुक जाओ, सिर्फ इस पर टारगेट होने दो उन लोगों को। एंड टारगेट हो चुका है, इधर एक और हील डालना पड़ेगा नहीं तो फिर मरेंगे ये लोग। एंड आधे माइनर मर चुके हैं मेरे एंड 3 स्टार होने की कमी गुंजाइश लग रही है। ओ भाई एक हील स्पेल जल्दी से डालना पड़ेगा नहीं तो मर जाएंगे इधर। अगर ये टेक डाउन हो गया विजय टावर तो बहुत सही रहेगा, लेकिन विजय टावर टेक डाउन होगा तो होगा कैसे? क्वीन टेक डाउन कर सकती है लेकिन एक और वहाँ बॉम्ब जिसके कारण अब नहीं बच पाएंगे ये लोग। लेकिन टेक डाउन हो चुका है विजय टावर, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। एंड ये मेरा 83 1 स्टार सबसे बुरा मेरा अटैक गया, अब क्या कह सकता हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड नहीं पसंद आएगी तो फिर भी सब्सक्राइब जो करना है जो करो। अगर मेरे चैनल थोड़ा भी पसंद नहीं आया तो अनसब्सक्राइब कर सकते हो, लेकिन इस बार सब्सक्राइब कर दो प्लीज़।